क्या देखते हैं यहाँ पर? ओवैसी की रैली होने वाली है, 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या देखते हैं, क्या माहौल है भाई? माहौल एकदम चकाचक है, बस यू लगा लो हर दिल में, हर उसमें ओवैसी ओवैसी। और मौसम तुम देख ही रहे हो यार कि जहाँ ओवैसी साहब कदम रख दें तो वहाँ का तो माहौल ही और मौसम ही अलग हो जाता है, तो उनकी तो बात ही अलग है। समाजवादी को लेकर के क्या सोचते हैं, समाजवादी पार्टी को लेकर? अरे समाजवादी और सब ये जितनी पार्टियां, खाली मुसलमानों को उन्होंने इस्तेमाल किया है और कुछ भी नहीं किया है। लेकिन ओवैसी साहब जो हैं वो खाली मुसलमानों के ही रहनुमा नहीं है, वो हर मजलूम के रहनुमा है। वो चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो हर मजलूम के मसीहा हैं। तो केवल मुसलमानों की करते हैं, कल मुसलमानों का लिए निकलता है वो मुस्लिम अल्फाज। जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, तो जाहिर सी बात है उसमें खाली मुस्लिम अल्फाज निकाल लिया जाता है, उसी को इस्तेमाल कर दिया जाता है, खाली मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। हाँ, हैदराबाद में जाके देखो, हिंदू मुस्लिम वहाँ सब उनके पास आते हैं और सब उनको, और ऐसी बात नहीं है, पूछते हैं लोग उनको हैदराबाद के अंदर। अच्छा, एक बात बताइए, लगातार यूपी में चुनाव है लेकिन बंगाल में भी वैसे ही लड़े थे, बंगाल में तो खाता खुला नहीं भाई, वहाँ तो वहाँ जब खोला ही, अरे एक मिनट, अरे भाई जब वहाँ खाता खोला ही नहीं हमने किसी बैंक में, तो बिना खुले खुल जाएगा? तो लड़ा ना, नहीं लड़े, मोदी लड़े थे, मोदी वहाँ भी जीरो जाए थे, मोदी चुनाव तो मोदी लड़े थे, मोदी जीरो क्यों रहे? वहाँ ममता बनर्जी जीते, वहाँ बिहार में 5 विधायक बने, 5 विधायक ने एसएससी कर रहे हैं, डाल लेंगे मोदी की 5 विधायक। बिहार की बात होती है, मैं बिहार से हूँ। सबसे पहले मैं आपको यह बोलना चाहूँगा, मैं 1900 किलोमीटर दूर किशनगंज जिला नेपाल बॉर्डर से यहाँ पहुँचा हूँ ओवैसी साहब को देखने के लिए और उनको सुनने के लिए। ये दीवानगी है, ये दीवानगी है ओवैसी साहब की। हमारे अंदर वो दम था बिहार वालों में, सीमांचल वालों में, हमने 5 सीटें जिता कर भेजा है। यूपी वालों के लिए, यूपी के जवानों के लिए मैं ये मैसेज देने आया हूँ, तुम तो 18% 22% वाली आबादी हो उत्तर प्रदेश में, तुम भी एक दम दिखाओ और ओवैसी के इतने इतने विधायक भेजो कि लखनऊ का जो विधानसभा है ना वो हिल जाए जिस तरह से बिहार विधानसभा हिलता है। लड़ तो, लेकिन चुनाव तो 100 सीट पर लड़ रहे हैं। क्या हुआ? चुनाव तो केवल 100 सीट पर लड़ रहे हैं। 100 के 100 सीटें जीतेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है हमारी। अच्छा, लगातार ओवैसी जी कहते हैं मुसलमानों को हक नहीं दिया गया, आपके मोहसिन रजा मंत्री हैं यूपी में, नकवी जी हैं, शहनवाज हुसैन है बीजेपी, यही लोग हैं जो मुसलमानों को बर्बाद कर रखे हैं और कहते हैं कि मुसलमानों के लीडर हिंदू होते हैं, यही दलाल हैं, इसको टुकड़े फेंके जाते हैं, ये टुकड़े खाते हैं और वही अखिलेश मुलायम करते हैं। वो नहीं चलेगा, ओवैसी चलेगा, उसी की पार्टी आएगी, हम जीतेंगे, हम कामयाब होंगे।